नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच संक्रमण के प्रसार को लेकर एक चौंका देने वाली स्टडी सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के साथ रहने के उन लोगों के लिए कोविड 19 का खतरा बढ़ जाता है जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में सोमवार को प्रकाशित रिसर्च में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के प्रति सतर्क किया गया है। इसमें पाया गया है कि घुली मिली आबादी में रहने वाले गैर वैक्सीनेटेड लोगों की तुलना में वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। टीम इंडिया के खिलाड़ी इन दिनों आईपीएल 2022 में खेल रहे हैं। इस बीच सभी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई से बातचीत में कहा है कि अगर सभी चीजें सही चली, हमारे कंट्रोल में रही जैसा कि अभी है, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान बायो बबल और हार्ड क्वारंटीन में खिलाड़ियों को छूट रहेगी। आईपीएल 2022 के दौरान भी खिलाड़ी बायो बबल का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में बीसीसीआई ये नहीं चाहती कि 29 मई को लीग के खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को फिर से एक और क्वारंटीन में रहना पड़े। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसका असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी पड़ेगा। रूस की इस आक्रामकता को यूरोप सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि रूस की यह अनुचित कार्रवाई एक रणनीतिक विफलता साबित हो। लेन रायसीना संवाद में भाग लेने भारत पहुंची है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO 4 मई को लॉन्च होगा, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के अगले महीने आने वाले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के सरोजनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों को ध्वस्त करने पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस KM जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने झुग्गी निवासी नाबालिग वैशाली की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया। वैशाली 26 अप्रैल से 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रही है। याचिका में कहा गया है कि हजारों लोगों को बिना किसी अन्य पुनर्वास योजना के बेदखल कर दिया जाएगा। देश के बिजली घरों में कोयले की किल्लत के रिपोर्ट के बीच भारतीय रेलवे ने सोमवार को कहा है कि उसकी तरफ से बिजली संयंत्र में कोयले के परिवहन के लिए अतिरिक्त रेक तैनात किए गए हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बिजली संयंत्रों में कोयले की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अपने नेटवर्क के माध्यम से कोयले के परिवहन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत कर रही है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव की पार्टी राजद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने फैसले की जानकारी इंटरनेट मीडिया के जरिए दी। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर इस संबंध में पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके अपने ने ही सदा उन्हें बदनाम और अपमानित करने का काम किया है। इस वक्त दुनिया में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। हर बड़े से बड़ा देश इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस संग हर ताकतवर देश भारत के साथ दोस्ती को और ज्यादा गहरा करना चाहता है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका ने यह तक कह दिया है कि वो अब भारत संग रिश्तों को और मजबूत करेगा। इधर हाल ही में दिल्ली दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने की बात कही है। अब भारत की ताकत का अंदाजा इसी से लगा ले कि राजधानी दिल्ली में एक बैठक हो रही है जिसमें 40 देशों की खुफिया एजेंसियां भाग ले रही है। ये बैठक बेहद ही बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने जीवंत भारत यूरोपीय संघ स्मारक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी से लेकर लोगों से संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता गंवाने के बाद भी लगातार खबरों में रहते हैं। अब न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के साथ कानूनी लड़ाई में जज ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। ट्रंप पर आरोप है कि वो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की तरफ से उनके व्यापारिक सौदे की एक जांच के हिस्से के रूप में जारी समन का पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रहे। न्यायाधीश आर्थर एंगरोन ने ट्रंप को प्रतिदिन $10,000 करीब 7.6 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर क्या खरीदा? बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ गई है। उसे लगता है कि मस्क के हाथों में आने से ट्विटर पर गलत सूचनाओं की बाढ़ आ सकती है और यही नहीं, इसकी वजह से 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन को इस बात का भी डर है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी ट्विटर पर वापसी हो सकती है। भारत ने सोमवार को कम से कम 2541 नए कोविड 19 मामलों की सूचना दी है, जिससे कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,60,008 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सक्रिय मामले बढ़कर 16,522 हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई है, जिससे कोविड से संबंधित जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,22,223 पर हो गई है।
पूरा देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ऐसे में बिजली की मांग बढ़ गई है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर अधिक उत्पादन का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में कोयले की कमी के कारण उत्पादन ठप नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई रणनीति बनाई है। कोयला लदी मालगाड़ियों को बिना बाधा पहुंचाए मंजिल तक पहुंचाने की हर कवायद की जा रही है। रेलवे ने इन मालगाड़ियों में रेक की संख्या भी बढ़ा दी है। सलमान खान अपने इस समय अपने फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक्टर टाइगर 3 की शूटिंग पूरी करने के बाद जल्द ही कर्जत के एनडी स्टूडियो में फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शुरुआत करेंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी नजर आएंगे। फिल्म में आयुष शर्मा, जहीर इकबाल भी है जो सलमान के भाइयों की भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश का पहला फ्लोटिंग हवाई अड्डा 2035 तक दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान में बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली ने पिछले साल बुसान के सबसे बड़े द्वीप गाडीओक द्वीप पर एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए 13.7 ट्रिलियन वॉन की मेगा स्टेट परियोजना के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी, ताकि बढ़ती हवाई यातायात की मांग को संभाला जा सके और देश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में समृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में दरार पैदा होने लगी है। अपने आका पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत लेकर तालिबान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया है। तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे खुश्त और खुनार प्रांत में हवाई हमले किए हैं। शिकायत के साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को कड़ी नसीहत दे दी है। अडानी समूह की FMCG कंपनी अडानी विल्मर के शेयरों में जबरदस्त उछाल के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मंगलवार 26 अप्रैल 2022 के ट्रेडिंग सेशन में 1,00,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। अडानी समूह की यह सातवीं कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 1,00,000 करोड़ रुपए से पार जा चुका है। वहीं दो दिनों में अडानी पावर के समूह की दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 1,00,000 करोड़ रुपए के पार गया है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को लेकर बड़ा फैसला लेने का संकेत दिया है। पार्टी के खिलाफ लाइन लेने के मामले में सुनील जाखड़ पर कार्रवाई होना तय है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन ने नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष हरीश काजला को निलंबित कर दिया है। नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष हरीश काजला को ऑपरेशन थिएटर बंद कराने और 80 सर्जरी रद्द होने के मामले में निलंबित किया गया है, क्योंकि नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारियों के हंगामे के चलते शुक्रवार को एम्स के ऑपरेशन थिएटर में नर्स कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था। इस वजह से ऑपरेशन थिएटर बंद हुआ था और इससे लगभग 80 सर्जरी रद्द हो गई थी। इतना ही नहीं, कई मरीज एनेस्थीसिया देने के कारण घंटों बेहोश भी रहे थे। तेल और गैस की कीमतों में आग लगने के बाद अब बिजली का झटका भी लग सकता है। जी हां, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पावर एक्सचेंजों में बिजली की औसत दर 6 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसील की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तमाम पावर एक्सचेंजों में इस बार बिजली की औसत दर 6 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा रह सकती है। ये पिछले 5 सालों की सबसे उच्चतम दर होगी। भारत ने रमजान के चल रहे महीने के दौरान यरूशलेम के पवित्र स्थानों पर घटनाओं की श्रृंखला पर अपनी चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि ऐसे स्थलों की ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखना चाहिए। विभिन्न सरकारी विभागों ने 80,039 रिक्त पदों को भरने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने सोमवार को 16,614 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आधिकारिक वेबसाइट tslprv.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 2 मई को शुरू होगी और उम्मीदवार 20 मई 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेगा भर्ती की घोषणा के बाद ये पहली भर्ती अधिसूचना है। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम पुष्कर सिंह को लेकर के खुद केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज केदारनाथ पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रही पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। रूस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर तुर्की अमेरिका के रवैये को लेकर नाराज चल रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने हुरियत अखबार से बातचीत में कहा है कि अमेरिका रूस से S-400 सिस्टम की खरीद के मामले में तुर्की और भारत के प्रति अलग अलग नीतियों का पालन करता है। देश पर कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमाम राज्यों में एक बार फिर से कोरोना से जुड़े नियम कड़े कर दिए गए हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर 12 बजे कोरोना के वर्तमान हालात और चौथी लहर के लिए तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 27 अप्रैल को कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना के वर्तमान हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजन से नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा है।
देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इस क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के बाद अब तक 125 लाउडस्पीकरों को उतरवा लिया गया है और 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। अमेरिका में लोकतंत्र समर्थन बुद्धिजीवियों, नेताओं, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पाकिस्तान की नवनियुक्त सरकार से जातीय तथा धार्मिक संघर्षों को समाप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने और भारत और अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करने की अपील की है। चीन में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। शंघाई में कोरोना के कारण एक दिन में 51 लोगों की जान जाने से चीन सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार ने बीजिंग में एक हफ्ते में 3 बार कोविड टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। बीजिंग की स्थानीय सरकार ने चाओयांग जिले में 35 लाख से अधिक लोगों के लिए सोमवार को पहले दौरे का सामूहिक कोविड टेस्ट का पहला दौर आयोजित किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की भारस्मारति में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता दिया जाएगा। ये नाश्ता भारस्मारति संपन्न होने के बाद वितरित किया जाएगा। मंदिर समिति ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्द ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। टोकन के जरिए नाश्ते को वितरित किया जाएगा। ये प्रस्ताव 2019 में आया था लेकिन कोविड के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, कल्याणी चौधरी, कुश कुमार यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, मुकुंद टेक, संजीत, नीतीश कुमार, ध्रुव कुमार, सत्येंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वर्तमान कोरोना के हालात को देखते हुए क्या कल प्रधानमंत्री की होने वाली बैठक में सभी राज्यों में फिर से नियमों को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।